आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन, हम आपको बताए न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। देश भर में बने मौसमी सिस्टम, चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र अब झारखंड और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। एक ट्रक रेखा उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर झारखंड के ऊपर बने चक्रवर्ती हवाओं के क्षेत्र से होते हुए बंगाल की उत्तर पूर्वी खाड़ी तक जा रही है। पाकिस्तान के मध्य भागों में एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, मेघालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बारिश हुई। केरल तटे, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, शेष पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालय, हरियाणा के कुछ हिस्सों और दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश हुई। रायसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा के दक्षिण तट और मालदीव में हल्की बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, तटीय ओडिशा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों, विदर्भ के कुछ हिस्सों और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी हिमालय, दक्षिण पूर्व राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश से जुड़ी धूल भरी आंधी आ सकती है। ये जानकारी स्काईमेट के द्वारा है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।